जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। यहां 6 दिसंबर की रात JNUS द्वारा बाबरी मस्जिद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि यहां बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगे और इसे दोबारा बनाने की मांग भी उठाई गई। इस पूरे मामले में MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि JNU में जो नारे लगे हैं वह पीड़ादायी है, टुकड़े टुकड़े गैंग देश के माहौल को बिगाड़ना चाह रही है, कम्युनिस्ट सोच का अड्डा JNU बन गया है। मैंने भी सुने वो पीड़ादायी है, ये देश विरोधी क्रोनोलॉजी है। दरअसल कल आपने फारूक अब्दुल्ला जी का बयान पढ़ा होगा, परसों सुना होगा, इसके पहले सलमान खुर्शीद जी, राशिद अलवी जी, इनके विवादित बोल भी, विवादित लिखना भी आप देख चुके होंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश विरोधी वामपंथी विचारधारा का ये अड्डा बन गया है JNU। सरकार की जनता की गाड़ी कमाई पर, मुफ्त की पढ़ाई जो वहां पर हो रही है, ये उसका परिणाम है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है राम जन्मभूमि पर, उसके बाद ये नारे लगते हैं। कभी सेना पर नारे लगते हैं, कभी देश के टुकड़े पर नारे लगते हैं। ये कभी आपने देखा, अभी पाकिस्तान के अंदर प्रियंता की 90% हड्डियां तोड़ दी, पर ये JNU वाले कभी बोले? ये चीन का स्वागत करते हैं? ये जो कम्युनिज्म सोच है, इसका अड्डा ये JNU बन गया है। गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।